दोस्तों दो प्लेटफॉर्म, एक कुंडूज और दूसरा वेदांतु, दोनों का इस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पे मैंने वीडियो बना रखा है, जिसमें आपको क्या करना है कि आपको 6th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड तक के आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, अपने कॉपी में फोटो क्लिक करना है अपने स्मार्टफोन से और सिंपल सा सबमिट करके वहाँ पे आपका यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। उसमें मैंने बता रखा है कैसे आप वेदांतु का और कुंडूज का ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके कैसे एज ए एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन करोगे, टोटल प्रोसेस ए टू जेड कैसे होगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे और कैसे आपका अर्निंग होगा, पेमेंट प्रूफ वगैरह टोटल कुछ वहां पे मैंने बता रखा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक और नया प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे जिसका नाम हो जाता है आकाश इंस्टीट्यूट। नाम तो आपने सुना ही होगा, यहाँ पर भी सेम वर्क है। आपको यहाँ पे क्या है कि आपको अप टू 10th स्टैंडर्ड तक का, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन स्टैंडर्ड तक का आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कॉपी में सिंपल सा फोटो क्लिक करना है अपने स्मार्टफोन से और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपका यहाँ पे अर्निंग होगा और भी ऑनलाइन। ये सारा प्रोसेस आपका घर से ही आपके स्मार्टफोन से होने वाला है। तो कैसे क्या करना है टोटल कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा जो लोग वेदांतु का और कुंडूज का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए अप्लाई कर चुके थे, बहुत लोग यहाँ पे अप्लाई किए थे, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग का यहाँ पे मेल आया, टेस्ट दिए, बहुत को यहाँ पे ज्वाइन होकर सक्सेसफुल वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे अपना ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी है जो कमेंट करके अब मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे बता रहे कि भाई यहाँ से मुझे कोई भी मेल नहीं आया। तो उन लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पे एक लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले बताइए कैसे आप आकाश इंस्टीट्यूट पे एज ए एक्सपर्ट कैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद में बाकी का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम हो जाता है इंटरसाला। ये वाला एप्लीकेशन हो जाता है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे ओल्ड उनको तो पता होगा कि इंटरसाला क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है फिर भी कोई बात नहीं, सिंपल से इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद में इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने बोलेगा, सिंपल सा प्रोसेस है, आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मेरा ये वाला वीडियो देख लेना, आपको टोटल कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि ऊपर में 3 बार का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस बार पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इंटर्नशिप का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे वहां पर आपको ऊपर एक सर्च का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इस पर आपको क्लिक करना और यहां पे आपको सर्च क्या करना, आकाश, सिंपल सा आकाश लिख देना। आकाश लिखने के बाद में ये वाला इंटर्नशिप आपका यहाँ पे आ जाएगा जिसको आप ओपन करोगे। तो यहाँ सबसे पहले लिख रहेगा ऑनलाइन टीचिंग हिंदी आकाश एडुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इस टाइप से देखने को मिलेगा और आकाश का यहाँ पे आपको लॉगो भी देखने को मिल जाएगा। और ये बिल्कुल भी वर्क फ्रॉम होम है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और नीचे में आप देखोगे यहाँ पे अबाउट द इंटर्नशिप, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है। तो करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो आंसरिंग हिंदी क्वेश्चन आक्स बाय मेरिटनेशन यूजर ऑन आक्स एंड आंसर अप टू ग्रेड 10, इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। और 3 पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, टोटल कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ स्किल रिक्वायर्ड में क्या है कि आपको यहाँ पे हिंदी लिखना आना चाहिए, यानी कि स्किल आपको बस हिंदी लिखने आता है, आपका टोटल काम यहाँ पे हो जाता है। उसके अलावा टोटल डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अप्लाई के लिए आप नीचे आ जाना, नीचे में आपको अप्लाई नाउ का एक बटन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेगा इस टाइप के आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहां सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल, देन एजुकेशन डिटेल, देन यहां पे जॉब, इंटर्नशिप, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस टाइप से आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहां पे आपको टेंशन लेने वाला बात नहीं है, मैं यहां पे टोटल कुछ आपको करके दिखा रहा हूं, बस आप वीडियो पे कंटिन्यू रहो। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले क्या है कि आपको यहां पे जो स्किल्स है, स्किल्स में आपको एक चीज जरूर मेंशन करना है, क्योंकि वहां पे स्किल्स में एक चीज मेंशन था कि आपको हिंदी लिखना आना चाहिए। तो वहां पे आपको हिंदी लैंग्वेज को सबसे मोस्ट प्रायोरिटी देना है और यहां पे ऐड स्किल करना है। इसके अलावा और भी स्किल जो आपके पास में उसको ऐड कर सकते हो। और साथ साथ यहां पे आप देख सकते हो कोई भी, अगर आप कहीं भी वर्क किए हो तो वर्क सैंपल यहां पे ऐड कर सकते हो। और यहां पर नीचे में एडिशनल डिटेल उसको ऐड कर सकते हो। ये सारा डिटेल अगर आपके पास में है तो ऐड करना, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दो ना, कोई बड़ा बात नहीं है, खाली भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आपके पास में जो जो सेक्शन है उसको अच्छे से यहाँ पे फिल कर देना,
फिल करने के लिए आपको सिंपल सा क्या, जैसे ए वाला ट्रेनिंग एंड कोर्स, इस पर क्लिक करोगे ऐड ट्रेनिंग एंड कोर्स, तो इस पर क्लिक करने के बाद में सिंपल सा कुछ इस टाइप से सेक्शन खुल जाएगा। इस सेक्शन में आपको क्या करना, इन डिटेल को आपको फिल कर देना, आपका डिटेल यहाँ पे हो जाता है फिल। सिंपल सा सारे को फिल कर देना। ऐसा ही फिल करने के बाद में आपको क्या ऊपर में देखोगे तो प्रोसीड टू एप्लीकेशन इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा क्या करना, इस बटन पे क्लिक करना। इस बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपसे पूछ रहा दो क्वेश्चन जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहला कि आप इसको क्यों करना चाहते हो, इस टाइप से आपसे पूछ रहा। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दे देना, हो सके तो गूगल कर लेना या फिर फ्रेंड का हेल्प ले लेना, किसी टीचर का, किसी भैया या किसी का भी आप यहाँ पे हेल्प लेके इसका आंसर अच्छे से करना इन दोनों क्वेश्चन का। आप ज़्यादा रहेगा सही कि आप गूगल कर लेना या फिर कैसे भी आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे इसका आंसर कर देना। मैं इसका आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आंसर बताऊँगा सभी को यहाँ पे सेम डाल देंगे, जिसके कारण क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप देख लेना कि आपको कैसे फिल करना है। फिल करने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आंसर को फिल कर दिया। फिल करने के बाद में आपको नीचे में सबमिट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपल सा यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे एप्लीकेशन हो जाता है सबमिट। इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाता है सक्सेसफुली। लेकिन यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, यहाँ पे आपके लिए एक लिमिटेशन है जो आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे स्टार्टिंग में कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 4 days लेफ्ट इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि आज डेट कितना, 9 July, और 4 डे लेफ्ट लिख रहा है यानी कि 13 July। इस एप्लीकेशन को आप अप्लाई 13 जुलाई तक ही कर सकते हो। अगर आप मेरा ए वाला वीडियो देख रहे हो 13 जुलाई के बाद में, तो आपको क्या करना है, तो आपको ए वाला वैकेंसी तो नहीं मिलेगा देखने के लिए। लेकिन आपको टेंशन लेने वाला बात नहीं है, आपको उस कंडीशन में क्या करना है तो वो ध्यान से सुनो। उस कंडीशन में आप क्या करना, सिंपल सा इंटरसाला को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना, सर्च करना आकाश। आकाश का कोई दूसरा वैकेंसी होगा तो आपको उस कंडीशन में वहाँ पे शो होगा, अगर नहीं होगा तो भी आपको टेंशन लेने वाला बात नहीं है। आप क्या करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियो मिल जाएगा, एक वेदांतों का और एक कुंडूज का। उसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है, वो हमेशा चलते रहेगा क्योंकि वहाँ पे आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करोगे एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और क्वेश्चन सॉल्व करके आप यहाँ पे अर्निंग करोगे। दोस्तों यहाँ तो रहा कि आप अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के बाद का प्रोसेस क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई करने के बाद में आपने जो भी डिटेल वहाँ पे फिल किया था अप्लाई करते वक्त, उस डिटेल को कंपनी क्या करेगा, रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद में आपको वहाँ पे मेल आ जाएगा और उस मेल में आगे का क्या प्रोसेस है टोटल डिटेल आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बस आपको क्या करना, उस मेल को फॉलो करना। फॉलो करके आपको क्या करना, एक सक्सेसफुल एक्सपर्ट बन जाना अभी आकाश इंस्टीट्यूट का, और क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पे अर्निंग करना है। दोस्तों इसके अलावा जो 2 और प्लेटफॉर्म थे, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के, जो एक वेदांतु था और दूसरा कुंडूज था। तो जो लोग वेदांतु का और कुंडूज का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पे अप्लाई किए थे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, उन लोग का अभी तक मेल नहीं आया, तो वैसे लोग अभी क्या करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए आप फिर से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर से अप्लाई करने के लिए आपको क्या है कि इंटरसाला को ही इंस्टॉल करना होगा। इंटरसाला को इंस्टॉल करने के बाद में सिंपल सा इंट्रांसिप वाले सेक्शन को ओपन करना होगा। सिंपल सा सर्च पे जाना है। सर्च पे जाने के बाद में आपको सर्च कर लेना वेदांतु। वेदांतु जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पे एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वाला सबसे पहला ही वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, जो कि आप 22 जुलाई तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर 22 जुलाई के बाद मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको ए वाला नहीं मिलेगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करना और इंटरसाला पे भी सर्च कर लेना कोई अदर है क्या, इस टाइप से आप सर्च कर सकते हो। सिंपल सा इसमें भी सेम प्रोसेस है, टोटल कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अबाउट द इंटर्नशिप में आप पढ़ सकते हो कि आपको क्या है नहीं है, टोटल डिटेल आपको मिल जाएगा। नीचे आपको टोटल डिटेल मिल जाएगा, उसको आप पढ़ सकते हो। और सिंपल सा यहाँ पे क्या है कि अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो कुंडूज था, कुंडूज के लिए भी सेम प्रोसेस है, आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है कुंडूज। जैसे ही कुंडूज सर्च करोगे, कुंडूज सर्च करने के बाद में यहाँ पे आपको एक वैकेंसी मिल जाएगा जो कि मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स पे आप एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे, इंटरसाला के थ्रू। ये सेकेंड स्टेप है कि कैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस के तरीके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे या फिर कैसे करोगे, तो वो वेदांतु का और कुंडूज का वो दोनों ही वीडियो मैंने फुल्ली डिटेल में बताया हूँ कि कैसे आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कैसे वहाँ पे आपका ईमेल आएगा, ईमेल में क्या लिखा रहेगा, कैसे क्या होगा, टोटल कुछ यानी A to Z स्टेप मैंने वहाँ पे करके दिखाओ। तो वो वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं आपका हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ।
साथ ही साथ रिप्लाई भी करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।